हरदन ठाकुर जो कि एचएएल के साथ एक टेस्ट पायलट हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को न्यू ईयर ईव पे ग्रीट करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट से एक फाइटर एयरक्राफ्ट का एक रेंडर पोस्ट किया था, जो कि इंडिया के पहले ट्विन इंजन फाइटर जेट का पहला ऑफिशियल रेंडर लगता है। लेकिन अभी कन्फ्यूजन ये है कि क्या ये एचएएल और एडीए का एक ऑफिशियल रेंडर है या ये सिर्फ एक फैन आर्ट है। ये रेंडर एक 17.5 टन मीडियम वेट फाइटर जेट की तरह लगता है, जो कि इंडिया की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए डेवलप कर रही है। एडीए चाहती है कि इस फाइटर जेट की पहली फ्लाइट 2023 को हो। इस रेंडर में इस एयरक्राफ्ट के रियर इंजन बेस सेक्शन से ये पता चलता है कि ये एक ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइटर जेट होगा। इस रेंडर में इस एयरक्राफ्ट के विंग्स के ऊपर लिखा हुआ है ओकरा, जिसके कारण बहुत सारे ट्विटर यूजर्स ये सोच रहे हैं कि ये एक 25 टन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो सकता है, जिसे कि एडीए इंडियन नेवी के MiG-29 के फाइटर जेट को रिप्लेस करने के लिए बना रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम है तो ओर्का की फुल फॉर्म क्या है। ओर्का की फुल फॉर्म ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो सकता है। अगर इसकी डेफिनेशन ये है तो ऐसा हो सकता है कि ये ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर प्रोग्राम से अलग हो। ऐसा भी हो सकता है कि ओर्का एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का इंडियन एयरफोर्स का वेरियंट हो, जो कि एडीए डिवेल्प कर रहा है। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर ओर्का एक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट है तो इसके ऊपर सिर्फ एचएएल का मेंशन ही क्यों है और इसके एडीए का मेंशन क्यों नहीं किया गया। इस रेंडर में कुछ एरर भी हुए लगते हैं। ऐसा लग रहा है कि इसके रियर सेक्शन में F414 इंजन पोजीशन एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं और इसके विंग्स की पोजीशन और एयर इंटेक्स की पॉसिबल लोकेशन से ऐसा लगता है कि इंजन्स के पास एक रियर फ्यूजलेज को फिट करने की जगह नहीं होगी। प्रपोज्ड कन्फर्मल फ्यूल टैंक कॉन्फ़िगरेशन जो कि ओर्का के रेंडर में दिखाई गई है, ये भी इसमें ही पहली बार देखी गई है और इसे मीडियम वेट फाइटर जेट के रेंडर्स में दिखाया नहीं गया था। ओर्का मीडियम वेट फाइटर जेट जैसी ही कैनर्स फीचर करता है और इसके साथ ही इसमें IRST और IFR मीडियम वेट फाइटर जेट के स्केल मॉडल के जैसे ही सेम पोजिशन में है। क्योंकि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम अचानक से अनाउंस कर दिया गया था, इसलिए अब लोग सोच रहे हैं कि ओर्का प्रोग्राम अब क्या है और क्या ये एक नया प्रोग्राम है और या ये फाइटर जेट का रेंडर सिर्फ एक फैंस द्वारा बनाया गया एक फैन आर्ट है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।